कंस जिससे जिससे डरता था उसको जेल में डालता था। तो मोदी जी कंस पूरी तरह से हो चुके हैं। वो सब जुमला है, हवा हवाई बातें करते हैं वो लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग हवा हवाई बात करने वाले लोग हैं। नौकरी पाना है तो भाजपा को हटाना है। भारतीय जनता पार्टी हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। और कितना भी बड़ा मर्डरी रहे, कितना भी क्रिमिनल रहे, अगर वो भाजपा में जाएगा तो शुद्ध हो जाता है। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय रह गया है। पूरे दमखम के साथ इंडिया गठबंधन और एक तरफ NDA सरकार। अब बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से कांग्रेस के खाते फ्रीज किए गए हैं, तो साफ तौर पे कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कांग्रेस के, या मैं कहूँ इंडिया गठबंधन के बढ़ते कदम से भाजपा घबरा रही है, जो इस तरह की तमाम हरकतें कर रही है कि फ्रीज कर दिए जाते खाते, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में पैसे की बड़ी ज़रूरत है। तो अब जब पैसे ही पर पाबंदी लग जाएगी तो चुनाव कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है खुद में। और दूसरी तरफ ED की मैं बात करूँ, जिस तरह से विपक्षी नेताओं को ED CBI द्वारा टारगेट किया जा रहा है, तो इस पर भी विपक्ष हमलावर है भाजपा पर। के कहना है कि अगर कोई कार्रवाई होनी है तो वो सिर्फ विपक्ष के ही नेताओं पे हो रही है। सत्ता पक्ष में जो भी क्राइम कर दे, कोई भी जो मंत्री हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बड़ा सवाल के साथ है और मुद्दों के साथ है विपक्ष। बात कर लेते हैं लोगों से। सर, कैसे देखते हैं, ये लोकसभा चुनाव बहुत करीब है और इस तरह की जो घटनाएँ हो रही है, आपने केजरीवाल का देखा, आपने कांग्रेस का देखा, तमाम विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, डराया जा रहा है, तो अब कैसे 24 तय करेगी सफर? देखिए, आपने देखा होगा सतयुग में, कलयुग में, कि कंस जिससे जिससे डरता था उसको जेल में डालता था। तो मोदी जी कंस पूरी तरह से हो चुके हैं। इस बार जनता के बीच, जनता और भाजपा के बीच चुनाव होने जा रहा है। जनता पूरी तरह मूड बना चुकी है। जो PDA के लोग हैं, जो 85% के लोग हैं, वो पूरा मूड बना चुके हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का। जो मोदी जी का नारा है 400 पार, वो 400 पार हार रहे हैं। मोदी जी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनके खेमे में भगदड़ मच चुकी है। इसलिए विपक्ष के नेताओं के ऊपर ED CBI के दम से, और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बुलडोजर के दम पे अपने नेताओं, हमारे जो पक्ष के नेता हैं, जो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, उनके ऊपर लगातार ED CBI का दबाव देकर उनको अंदर करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पाउडर लाई है, वाशिंग पाउडर भाजपा। जो कहा नहीं कि एक प्रचार चलता है, वाशिंग पाउडर भाजपा। भाजपा में अगर कोई मर्डरर या कोई बलात्कारी, कोई क्रिमिनल जाएगा, और कितना भी बड़ा मर्डरी रहे, कितना भी क्रिमिनल रहे, अगर वो भाजपा में जाएगा तो शुद्ध हो जाता है। तो साफ तौर पे ये जनता को दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के ऊपर चुनाव के दौरान इसी कृत्य घटना की गई है देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है। और जनता इसका जवाब 2024 में देगी, बहुत अच्छे से देगी। जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, क्योंकि मुद्दे बहुत से हैं और शायद विपक्ष जिस पर बात कर रहा है, लेकिन भाजपा नहीं, लेकिन फिर भी वो तो गारंटी की बात करते हैं, 400 पार की बात करते हैं। मुद्दा पूरा देश जानता है मुद्दा क्या है। 2014 में मोदी जी ने कैसे सरकार बनाई थी, महंगाई का मुद्दा लाए थे, बेरोजगारी का मुद्दा लाए थे। महंगाई आज 10 गुना हो गया है। जो गैस, डीजल, पेट्रोल का दाम, जो हमारे गैस का दाम 400-450 हुआ करता था, आज 1100-1200 हो गया है। जो डीजल पेट्रोल का दाम है, जो 60-70 में हुआ करता था, 100 पार है। यही स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो अपने सर पे सिलेंडर लेकर नाचती थी, अब उनको महंगाई नहीं दिखाई देता है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्याज की दाम बढ़ जाता था तो गले में टांग के रास्ते पे घुमा करते थे, बैलगाड़ियों से चलते थे, क्या उनको महंगाई नहीं दिखती है? जनता सब देख रही है, महंगाई, बेरोजगारी। हर साल 2 करोड़ का रोजगार देने का वादा करने वाला देश का झूठा प्रधानमंत्री, आज तक ऐसा प्रधानमंत्री देश में कोई नहीं बना है जिसने पढ़ने लिखने वाले बच्चों के कापी किताबें भी टैक्स लगाया है, यहाँ तक दूध दही पे भी टैक्स लगाया है। तो एक आम गरीब परिवार, जो PDA के लोग हैं, जो गरीब मजदूर हैं, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं? ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। और कहीं सुरक्षा की बात, माताओं बहनों की सुरक्षा की बात की जाए, तो कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन लूटपाट, हत्या, बलात्कार का मामला न आता हो। और रही बात जो हमारे देश के 4 स्तंभ हैं, लोक, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और जो कहा जाता है मीडिया, जो विपक्ष का साथ देती है, जो पक्ष में रहता है, उनकी जो कृतियाँ उसको उजागर करती है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से
जो मीडिया है चाटुकार हो चुकी है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, मीडिया वाले सब वहाँ ठहाका लगा रहे हैं, वो भी 400 पार का नारा दे रहे हैं। तो हमारे देश का लोकतंत्र बहुत खतरे में है। अब मैं अपील करना चाहूँगा अपने 85% के लोगों से कि ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को, अपनी स्वतंत्रता को, अपने मान सम्मान को बचाने का चुनाव है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संविधान का मंथन कर चुका है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये कोर्ट का ताकत दिया है, जिससे एक पहले तो किसी के रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन अम्बेडकर जी ने एक पेटी के पेट से, जिसमें पेटी में जो पैक होता था उससे राजा पैदा होता है, वो वोट का ताकत खत्म करने जा रहा है देश का प्रधानमंत्री। तो हमारे देश के पीडीए के लोग, जो चाहे अगड़े हों चाहे पिछड़े, जो समझदार हैं, जो जानते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, वो इस बार पीडीए के साथ हैं और 2024 में मोदी जी को करारा जवाब देने का काम करेंगे। कैसे देख रहे हैं 2024 की लड़ाई? बड़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों ही मजबूती के साथ हैं मैदान में। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष, जिस तरह से विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है लगातार, ऐसा विपक्ष का कहना है, कैसे कर पाएंगे, कैसे चुनाव? लड़ाई जनता के बल पर लड़ी जाएगी और काम के बल पर लड़ी जाएगी। आपने कहा जनता के बल पर लड़ी जाएगी और मोदी जी कह रहे हैं कि जनता का प्यार हमें फिर मिलेगा और मैं फिर इस बार लाल किले पर झंडा फहराऊंगा। ये तनाशाह लोग हैं, ये अपनी बी टीम ईडी और सीबीआई को लेकर के विपक्ष के नेताओं को डराने का काम करती हैं। ईडी और सीबीआई इनकी भाजपा की बी टीम बन गई है और नेता डरने दबने वाले नहीं हैं, और हमारे नेता अखिलेश यादव जी इनसे डट कर सामना करने वाले हैं, और वो अपने काम के नाम पे वोट मांगेंगे, रोजगार के नाम पे वोट मांगेंगे। जब सपा की सरकार थी तो रोजगार की बयार बहती थी, काम हुआ था उस पर वोट मांगा जाएगा। कहते 70 साल में कोई काम ही नहीं हुआ। नहीं, 70 साल में आप देख लीजिए ना क्या काम हुआ है। वो जो कपड़ा पहनते वो 70 साल का ही देन है कि वो जो कपड़ा पहने वो भी 70 साल का देन है? वो तो कह रहे जो 10 सालों में हुआ है वो आज तक की कोई सरकार नहीं। वो सब जुमला है, हवा हवाई बातें करते हैं वो लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग हवा हवाई बात करने वाले लोग हैं। इन्होंने किया क्या है? कोई विश्वविद्यालय बनवाए हों, कोई अरे ऐसे कारखाना डाले हों जिसमें हमारे गरीब मजदूर लोग उसमें काम करते हों, इतने शिलान्यास बनवाए हों, जितने शिलान्यास है सब कागजों पे हैं, केवल कागज पे मोदी जी के भाषण में हैं और उनके अंधभक्तों को, भक्तों के ऊपर है। मैं तो कहता हूँ, चैलेंज देता हूँ, मोदी जी के अगर दम हो तो अखिलेश के ऊपर कोई कार्रवाई करके दिखा दे। और रैया में एक बार अखिलेश जी को नज़र बंद किए थे, 1 घंटे में 70% रोड जाम हो गई थी, औकात दिख जाएगा मोदी जी को उत्तर प्रदेश में। तो हमारे अखिलेश जी काम के बदौलत, अपने रोजगार देने के नाम पे, लोगों की सुरक्षा के नाम पे वोट लेने का काम करते हैं। ये मोदी की तरह झूठ बोलने वाले नहीं हैं, ये घंटा हिलाने वाले, ये लोग जो लोगों को बलगरा के जातियों में बांट के काम करने वाले हैं, बढ़ भिड़ाने वाले हैं, जो केवल नफरत पैदा कर रहे हैं, भाईचारा को ख़त्म कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। इनके सिवा, इनके जो भी प्रवक्ता हो, इनके अंधभक्तों से अगर आप बात करेंगे तो केवल राम मंदिर मस्जिद पे नाम लेंगे। अगर आप रोजगार की बात करेंगे तुरंत चले जाएंगे गीता पे, बाइबिल पे, कुरान पे चले जाते हैं। क्या कहना? 2024 की कोई लड़ाई नहीं है। 2014 में भाजपा नरेंद्र मोदी जैसे जुमलेबाज के नाम पर आई थी, 2024 में इनको जनता फिर से वापस भेज देगी। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में इनकी सीटें कम से कम आने जा रही हैं। ये पूरी तरह से बौखला गए हैं, पूरी तरह से ये एकदम दिवालिया हो गए हैं, चाहे वो केंद्र के मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों या अमित शाह जी हों, इनका दाल गलने वाला नहीं है। बेरोजगारी इतना ज़्यादा हो गई है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो परीक्षा थी 64,000, उसमें 60 लाख लोग फॉर्म डाले थे, उसको निरस्त कर दिया गया, पेपर लीक हो गया। तो ये सरकार पेपर लीक कराने का भी एक रोजगार कर ली है। नौकरी पाना है तो भाजपा को हटाना है, भारतीय जनता पार्टी हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। ईडी सीबीआई लगी है विपक्ष के पीछे, बिल्कुल बिल्कुल, और पूरे दमखम के साथ विपक्ष भी है, कह रहा है हम भी भाई करके ही दिखाएंगे। कैसे? नहीं, बिल्कुल दमखम के साथ विपक्ष है, और यही गंगा जमनी तहजीब रूपी राष्ट्रपिता की सच्चाई सच है। और मैं तो 3 विचारधारा जीता हूँ, आदरणीय सभी बड़े नेता मुझे सुन चुके हैं विपक्ष में, और ये कमल का कीचड़ तभी खत्म हुआ, बीजेपी के कमल का कीचड़, जब हमें आदरणीय कमलनाथ जी बहुत मानते हैं। मैंने विपक्ष में ही कविता किया है। मैं तो कह रहा हूँ कि दो युवा जोड़ी है राम और लक्ष्मण, दो युवा जोड़ी है राम और लक्ष्मण,
फेल करने आया हूँ मोदी जी के मन की बात का मन। और इन भाजपाइयों को पैगाम है, संदेश है, जितेंद्र मिर्जापुरी कभी से बात तो करें कि हृदय में हो राम हाथों में हो काम, हृदय में हो राम हाथों में हो काम, तब जाके जनता की जिंदगी बने सुखों के धाम। राम जी को लाए तो मोदी जी, राम जी के, मैं राम जी को सुबह सुबह शाम, सुबह मोदी जी लाए हैं, सुबह सुबह शाम राम राम जपता हूँ। और वही मोदी जी आप कह रही हैं जो कि सुबह सुबह राम का नाम दिल से जपता हूँ, और ए भाजपाई नकली हिंदुत्व का ढोंग हटा के हटें, मैं यही श्री राम से कहता हूँ। अब सुनिए मेरी कविता, ताज़ा सुनिए, जो ताज़ा हालात है, इन्हें गोविंद भी नहीं माफ करेंगे कि आए भाजपाइयों तुम भी दूध के नहीं धुले हो, और क्यों विपक्ष को कमजोर करने पे तुले हो। आए भाजपाइयों तुम भी दूध के नहीं धुले हो, और क्यों विपक्ष परिवार को कमजोर करने पे तुले हो, और जनता की जिंदगी बना दिए हो दंड, और जरा बता दीजिए मोदी जी, जरा बता दीजिए मोदी जी, कितना जमा हुआ पीएम केयर फंड, जनता की जिंदगी तो कर दिए हो दंड, और जरा बता दीजिए मोदी जी कितना जमा हुआ, कहां जनता की जिंदगी दंड, अच्छे दिन, जनता की जिंदगी अच्छे दिन नहीं है, अच्छे दिनों के सपने दिखाए खूब, और महंगाई की मार से जनता गई है ऊब। मेरी कविता पूरी करी करने दीजिए, बहुत धमाल की कविता है, थोड़ा फैलाइए, इन्हें गोविंद भी नहीं माफ करेंगे, अब गोविंद भी नहीं माफ करेंगे इन्हें। तो कहना है कि विपक्ष परिवार को बहुत कमजोर करने पे तुले हो, और ऐ भाजपाइयो तुम भी दूध के नहीं धुले हो, जनता का जीवन तो हो चुका है महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचारी पेपर लीक से, नौजवानों का भी जीवन दंड, यही सब है कीचड़ कमल का दंड, और जरा बता दीजिए मोदी जी कितना जमा हुआ पीएम केयर फंड, और बता दीजिए और कि आप तो कमल से कीचड़ निकाल के करवा रहे हैं, विपक्ष के प्रति कांड पे ईडी सीबीआई लगा के कांड पे कांड, और जरा ये भी बता दीजिए कि खरबों में चल रहा है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, और आप लोगों को तो स्वयं नहीं माफ करेंगे अब गोविंद, अब तो जल्दी से छोड़ दीजिए केजरीवाल अरविंद। वाह वाह वाह, बहुत 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 बढ़िया आपने सुनाई।